Hello viewers, welcome back to my channel. Today I'll show you that how to get white teeth at home in just 3 minutes. दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी को इन्हांस करने में हमारे जो दांत हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं, और हमारे अगर दांत मोतियों जैसे चमकते हों तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा बढ़ जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे दांत पीले होने का क्या रीज़न होता है, वट आर द कॉजेज ऑफ येलोइंग टीथ। तो सबसे पहले देखिए, जो पुअर डेंटल हाइजीन जो होता है, हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, उससे हमारे दांत पीले हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, उससे हमारे दांतों पे पीलापन आ जाता है। ये ज़्यादा एज जब हो जाती है, बढ़ती उम्र वालों के भी दांत पीले हो जाते हैं। और मेन जो कारण होता है वो हमारी इनेमल लेयर डिस्ट्रॉय होने से भी हमारे दांत पीले हो जाते हैं और उनमें कैविटीज़ हो जाती हैं, कैविटीज़ बनने लगती हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आपके दांतों को वाइट होने में ये काफ़ी हेल्प करेंगी और आपकी जो सांसों की बदबू है वो भी इससे दूर हो जाएगी। सबसे पहले हमने बोल लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। हाफ टी स्पून हमने इसमें बेकिंग सोडा लिया है, जो सिंपल खाने वाला सोडा होता है, जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, वो सोडा आपको लेना है। फिर हमें सॉल्ट ऐड करना है, इसमें हाफ टी स्पून ही है। लिटिल बिट ऑफ वाटर से हम एक पेस्ट सा बना लेंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये। अब हम इसके अंदर अपना कोई भी नॉर्मल टूथपेस्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। ये ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मिक्स इट वेल। आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। आज हमारे पास लेमन अवेलेबल नहीं था तो हमने ऐड नहीं किया, लेकिन आपके पास अगर लेमन हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि लेमन में एक वाइटनिंग एजेंट होता है जो हमारे दांतों पर से पीलापन हटाता है और हमारे दांतों को वाइट होने में हेल्प करता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ऐसे आप ब्रश पर लीजिए और अपने दांतों पर अप्लाई कीजिए। व्यूवर, जब आप फर्स्ट टाइम अपने दांतों पर अप्लाई करेंगे और इसके आपके दांत काफ़ी क्लीन दिखेंगे और आपको एक अच्छा चेंज नज़र आएगा, आपकी सांसों में अच्छी फ्रेशनेस होगी, फील होगा आपको, और आपकी जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा। और आप याद रखिए, आप स्टार्टिंग में इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए, फिर 1 बार कर सकते हैं आप हफ्ते में, और फिर बाद में आप मंथ में 2 या 1 बार कर सकते हैं। याद रखिए, एक्सेसिव यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा अच्छा नहीं है, ये हमारे दांतों का इनेमल लेयर जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। अब हम सेकंड रेमेडी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए सिंपल हमें सॉल्ट लेना है, जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ले लेंगे। सॉल्ट में भी अच्छी एंटी बैक्टीरियल एंटी बायोटिक एजेंट होता है। विनेगर हमने इसमें ऐड किया है हाफ टी स्पून, सिंपल वाइट विनेगर जो होता है, ये भी बैक्टीरिया मारने में हेल्प करता है और हमारे सांसों की बदबू को दूर करता है। इसको आप दांतों पर अप्लाई कीजिए। शुरू में आप इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप इसे धीरे धीरे हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, और फिर बाद में आप मंथ में सिर्फ 2 या 1 बार कर लीजिए। लेकिन आप व्यूवर्स, आप इसे जब पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको अपने दांतों में एक बहुत ही अच्छा चेंज मिलेगा, आपके दांत वाइट हो जाएंगे, पीलापन दूर हो जाएगा, दांतों में एक अच्छी फ्रेश फीलिंग होगी, दांतों में जो बदबू होती है सांसों में वो चली जाएगी। लेकिन आपको इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी इनेमल लेयर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो है ना ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।